युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बिलासपुर द्वारा लुहरू मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का विधिवत रूप से समापन कर दिया। वही दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बिलासपुर में किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वही कार्यक्रम के दौरान जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी श्याम कौंडल ने खेल विभाग के पदाधिकारियों सहित मुख्य अतिथि का स्वागत किया। जिसके बाद एसपी साक्षी वर्मा ने एथलेटिक सहित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता दिव्यांग खिलाड़ी को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित करने का काम किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए एसपी साक्षी वर्मा ने जहां इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की, तो साथ ही सभी खिलाड़ियों के आगे बढ़ने और प्रदेश का नाम रोशन करने की भी कामना की। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मानसिक रूप से परेशानी के चलते राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर की एक छात्रा द्वारा तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये छात्रा सुबह से ही अपनी क्लास को लेकर परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रथम ईयर की इस छात्रा का नाम कोमल बताया जा रहा है, जो कि अध्यापक द्वारा उसको डांटने और क्लास से बाहर निकालने के बाद काफी परेशान थी और गुस्से में आकर उसने कॉलेज के भवन की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद कॉलेज परिसर में हल्ला मच गया और स्कूल प्रबंधन व छात्रों ने मिलकर घायल छात्र को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं इस घटना में कॉलेज छात्रा को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर दुख प्रकट करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में अध्यापक की शामिल होने के साथ ही छात्रा को प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आने पर कड़ी कार्रवाई का भी दावा किया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्रों में गलतियां पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों को पैनल से हटा दिया जाएगा। वही शिक्षकों को न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों पर जोर देने तथा इन्फॉर्मेटिव प्रश्न ज्यादा न डालने की बात कही गई है। प्रश्न पत्रों में गलतियां पाए जाने पर शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ शिक्षकों को पैनलों से हटाया गया तथा ऐसे शिक्षकों को कार्यशाला के लिए बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षक बोर्ड ने पहले ही ये निर्णय ले चुका है कि बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में गलतियां पाए जाने पर प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों को पैनल में नहीं रखा जाएगा। ऐसे में उन शिक्षकों का पैनल बनाया जाएगा जो ठीक प्रकार से पेपर सेट करे, विशेषकर बोर्ड की एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों से ही प्रश्न पत्र बनाए जाए। प्रश्न पत्र का आधार भी ऐसा हो कि 40% प्रश्न इजी लेवल, 40 एवरेज लेवल और 20% हार्ड लेवल के प्रश्न डाले। न्यूमेरिकल वेस्ट प्रश्नों पर फोकस किया जाए, जिससे कि पता लगाया जा सके कि बच्चों में कितनी गंभीरता से तैयारी की है। यही नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड 50% प्रश्न भी बनाने को कहा गया। वहीं इन्फॉर्मेटिव प्रश्न ज्यादा ना पूछे जाए। बोर्ड के अनुसार प्रश्न पत्र के मामले में बोर्ड में जीरो टॉलरेंस की नीति है। वहीं प्रिंटर की भी यदि कोई गलती पाई जाती है तो उन्हें भी डीवार कर देते हैं। प्रश्न पत्र में गलती के लिए जो भी जिम्मेवार होगा उसका दायित्व सुनिश्चित करने की बात बोर्ड कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बोर्ड ने पेपर चेकिंग में गलती करने पर कुछ अध्यापकों को पेपर चेकिंग से हटा दिया था तथा उसके उपरांत जुर्माने का भी प्रावधान बोर्ड की ओर से कर दिया गया था।